समा जाए। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, चले गए सब लोग तो किसी की मैयत पर आकर बात करने से भी बाज नहीं आते। क्या कह रही हो? हुसैन को देख रहे थे सब, और अब्दुल की माँ तो कह रही थी कि जमील भाई इसी सदमे से मरे हैं। तुमने ये बातें सुन कैसे ली? मुंह नहीं तोड़ा उनका? उस लड़के ने हमारे लिए जो किया है ना, कोई सगा भी नहीं करता। तो माँ किस किस की जुबान पकड़ेंगी आप? और सब लोग उसे जिस नजर से देख रहे थे ना, वो मुझे ही पता है। अभी तो पता नहीं मेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें करेंगे। जिनकी जबान पकड़ नहीं सकते उनको डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि हमने उन्हीं लोगों के साथ रहना है, और लोगों की नजर तो सवाल पूछती हैं। हाँ तो मैं भी कोई मुजरिम नहीं हूं जो लोगों के सवालों के जवाब देती फिरूं। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप जानती हैं हम किन हालात में, हम किस वक्त से गुजर रहे हैं, फिर भी इस तरह की बातें कर रही हैं। हमें इन हालात में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो, तो शर्मसार तो तुम्हें होना चाहिए। मैं कैसे इन हालात में? आप बस कर दो तुम दोनों। अभी तुम्हारे अब्बू को मरे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम दोनों इस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन अम्मा बस कह दिया ना, बस चुप कर जाओ। ये क्या हो गया है? ये पहले तो ऐसी नहीं थी अम्मी। बस बेटा, इंसान जिस माहौल में रहता है ना, उसे बन जाता है। तुसी देखो कि मियां अजीज दिन रात अपने हलके विच काम पे करता जे। यतीम बच्चियां दी शादियां ने उदे काम नू बहुत वधा दिता जे। काम अजे एडा नहीं वधिया। मियां अजीज समझ ला मेरे गोडे हेठ है। जिसने मेरा दिल कीता ना, उंदी कंधी नाप दिस। खान साहब तुसी कटते जरूर आओ। फिक्र क्यों करें ना? ठीक है मोर, रोटी शोटी खा के जब आए। बहुत शुक्रिया जनाब। हेलो, हाँ बात करवाएं जी। आईजी साहब। अच्छा, खबर पक्की है ना? डिटेल्स क्या हैं? ठीक है ठीक है। अजमत साहब, अजमत साहब, मैं आपसे मिशाल के वालिद साहब के लिए अफसोस करना चाहता था। बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे अफसोस करूं। मिशाल जा चुकी हैं, आपसे अफसोस कर लूं या फिर हुसैन से? चले आप मिल गए हैं तो मैं आपसे अफसोस कर रहा हूं। इंसान को किसी की नजर में इतना नहीं गिरना चाहिए कि उठना महाल हो जाए। अजमत साहब आप तो खामखा जज्बाती हो रहे हैं। खैर चलिए छोड़ें इस बात को। मैंने वो नए शो के ज्योग्राफिक्स है ना, वो मैंने देखे। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, लेकिन एक छोटी सी तजवीज, उसमें से वो मिशाल का नाम निकाल कर ना किसी और एंकर का डाल। अब इतनी प्रोडक्शन वैल्यू आप लोग डाल रहे हैं, चैनल को कोई फायदा तो हो जाए हैं? ना मिशाल का नाम हटेगा ना कोई और शो करेगा। जिसको जितनी कोशिश करनी है कर ले। आप इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, आपको पता है। खैर अब्दुल साहब, वो जो नया शो ऑन एयर करेंगे ना, तो मुझे एक मैसेज जरूर कीजिएगा। वो क्या है कि मैं हमेशा नए एंकर्स को देखता हूँ, जरूर कुछ सीखने को मिलता है ना उनके साथ। हीर एक और रांझे दो, बहुत ही फिल्मी सिचुएशन है मियाँ। तो कह दो कौन है? हाकिम खान। खान जी बहुत ही पहुंचे हुए खिलाड़ी है कसम से। कभी कभी तो मुझे तुमसे डर लगता है। तू मेरा यार है, तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
हाँ अलबत्ता हमारे दुश्मनों को हमसे डरने की बहुत जरूरत है। मैंने अजमत को कहा था कि मैं मिशाल को ऑनर नहीं होने दूंगा, और देख मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। वो मशहूर होना चाहती थी, तुमने उसे बदनाम कर दिया। वाह वाह वाह, थैंक यू मियां, थैंक यू। पढ़े लिखे लोगों की यही तो बात होती है, इनकी जर्ब ऊपर से नजर नहीं आती, अंदर से बंदा मुका देती है। मियां जी वो सामान रख दिए गाड़ी में। ठीक है ठीक है। मियां जी कितने चल रहे हो? वो मियां रशीद से कुछ मामला तय करने, फिर वो लाखी बील के घर वालों का मामला भी निपटाना है। यार तुमने तो कहा था कि रफा दफा हो गया, सब खत्म हो गया। अदालत की तरफ से खत्म हो गया, हमारी तरफ से अभी नहीं हुआ। इस बला को अपने पीछे से हटाओ, खामखा अपनी गर्दन को हाकिम खान के हाथ में ना दो। कल हट जाएगी बला। खान जी चाय और केक मंगवाऊं? ये लीगल नोटिस फारिग हो जाएंगे, अब वक्त आ गया। मैं कुछ समझा नहीं सर। आ जाएगी समझ, बता देंगे। लड़की का सुना है कोई वीडियो शीडियो आ गई थी? जी सर, इसी वजह से ऑफ एयर कर दिया सर। ऑफ एयर क्यों कर दिया? दोस्तों की वजह से सर, आपके भी तो दोस्त रहे हैं। तो अब है कहाँ मिस मिशाल? उनके वालिद का इंतकाल हो गया सर, अपने आबाई शहर गई। वैसे सर उसका करियर तबाह करने की बहुत कोशिश की गई। वीडियो वाला मामला भी देख लिया है। फिलहाल तो एक और बहुत अहम काम है। जी सर। अब ये बताएं कि अगर आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाए तो आप मिस मिशाल को वापस ऑन एयर ले आएंगे? ब्रेकिंग न्यूज़ सर? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अपने दफ्तर में भी राज ही रखता हूँ, बाद में बता देंगे आपको। जी सर, आई अंडरस्टैंड। बस आप वो कैमरा टीम का बंदोबस्त करें और जो अरेंजमेंट्स करने हैं करें। वो लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। समझ गया सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सर। ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। क्यों नहीं समझ आ रहा है कि इस जंग में किसी और का नहीं सिवारा हमारा नुकसान है। मन टूटा टूटा मैं, जग छूटा रूठा मैं। देखिए नया ड्रामा सीरियल अखाड़ा 10 जनवरी से बुध रात 8 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।